दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती मतलब UPSI का जो 2014 में पेपर हुआ था, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड करवाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है ऑप्शन ए, ये वाला हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो गाइस अगला क्वेश्चन आया था, देखिए दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे तो मैंने डायरेक्ट आपको वन लाइनर में आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, आगे क्या कहता है कि जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा, किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में नहीं है। मतलब दो ऑप्शन आपके सही थे जिसमें था ए और सी, तो मैंने दोनों आंसर लिख दिए हैं जो कि इसमें मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है। तो इसका हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला है, साइबर अपराध में क्या शामिल है। देखिए दोस्तों, जितने भी ऑप्शन थे आपके सारे ऑप्शन सही थे, जिसमें एक ऑप्शन था कि कंप्यूटर के माध्यम से छल, ये भी सही था, और दूसरा था ऑब्लिक, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपके दूसरा पॉइंट आ जाता है। ओके, तो अगला था कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, ये वाला भी तो सही हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, ये वाला भी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, इसका आंसर होगा संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अगला है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो गाइस देखिए, चार ऑप्शन थे जिसमें चौथा वाला था उपरोक्त सभी, मतलब सारे कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है जन्म से, दूसरा हो जाएगा वंशानुक्रम से, और तीसरा हो जाएगा देशीकरण से। एक क्वेश्चन आया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद व विधानसभा में जिन विषयों पर कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में है। तो ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, पर्यावरण प्रदूषण में ठोस, द्रव तथा गैस या प्रदूषण सभी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भूमि, जल तथा वायु तीनों ही पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। एक क्वेश्चन था, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा। तो ये हो जाएगा धारा 97। अगला है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। तो ये हो जाएगा उद्देशिका। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है। तो ये हो जाएगा भारतीय वन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। तो ये हो जाएगा विधि संघर्षित किशोर कहा गया है। एक क्वेश्चन आया था, किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाती है संविधान के अनुच्छेद। तो इसका हो जाएगा आंसर, संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राजनिधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत
निम्नलिखित में लागू होते हैं? तो गाइस देखिए, चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका चौथा वाला था उपरोक्त सभी। तो तीन कथन जो ऊपर कहते हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन था प्रशासनिक कार्यवाहियों में, और दूसरा था अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में, और चौथा था तीसरा था न्यायिक कार्यवाहियों में। अगला क्वेश्चन आपका है, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि, तो इसका आंसर होगा सभा शांतिपूर्ण हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा कि इसके आंसर डबल थे जिसको UPSI ने नेगलेक्ट कर दिया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, तो गाइस ये तीन सही हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऋणियाँ भी हैं, और न्यायिक विनिश्चय भी है। अगला है जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है, तो ये हो जाएगा जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। अगला है आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अगला है संविधान के खालिस्तान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 227। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है, तो गाइस ये हो जाएगा उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। अगला है साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो गाइस इसका हो जाएगा किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा तेहरान। अगला है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है, इसका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय मानवाधिकारों आयोग का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो गाइस ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो ये हो जाएगा 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है, तो गाइस देखिए सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, इसके दो आंसर थे, तो पहला हो जाएगा ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, दूसरा था राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और तीसरा आंसर हो जाएगा रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो। मतलब जो चौथा दिया था, चौथा क्या था उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर वाले जो तीन कथन थे वो तीनों सही थे, तो इसीलिए मैंने आपको तीनों बता दिए। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है, तो ये हो जाएगा 12 महीने। ओके गाइस आपका अगला क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124। नेक्स्ट है दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है, तो ये हो जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला है किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, इसका होगा लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। अगला है किस जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है आत्मरक्षा का अधिकार है, इसका होगा अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ये सही हो जाएगा, और दूसरा था दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ये भी हो जाएगा, और चौथा तीसरा था चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। मतलब ऊपर के जो तीन कथन थे वो तीनों सही थे। अगला है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 213 में। कि आपका अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया है, तो ये हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। ये आपका पुराना क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ये हो जाएगा 11। अगला है साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है, ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा संघ एवं राज्य दोनों को। अगला है महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो ये हो जाएगा भारतीय दंड संहिता में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो शरीर व संपत्ति दोनों से। ओके नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, तो ये हो जाएगा केवल संज्ञेय अपराध से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, तो संसद के महाभियोग के द्वारा। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भूकंप की तीव्रता जो होती है किस उपकरण द्वारा नापी जाती है, ये हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला है अर्वाचीन काल में सर्वप्रथम किस जर्मन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनवाई, तो ये हो जाएगा विलियम बुंट ने। निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। अगला आपके हैं आईपीसी से संबंधित आईपीसी की जो धाराएं होती हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन था यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल से कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है, ये हो जाएगा पाकिस्तान। अगला यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्य चक्रानुक्रम। अगला है वियर तथा वुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, ये हो जाएगा शेयर बाजार। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 1962 में, जब 1962 में चीन ने हमला किया था, चीन ने आक्रमण किया था भारत पर। अगला है दो देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है वह है, तो वो हो जाएगा स्वीडन व फिनलैंड। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था, तो पुर्तगाल। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की, इसका होगा पुर्तगालियों ने। अगला है निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, तो संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट डेसिबल इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, डेसिबल। अगला है हार्वर्ड गार्डनर की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दूसरे व्यक्ति के सूचना पहलुओं को परखने की योग्यता का एक नमूना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषता नहीं बताता, तो ये हो जाएगा 2 समान तत्वों में सूचना अंतर बताना। अगला है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।